सॉरी बेटा गुड मॉर्निंग, बेटा गुड मॉर्निंग, ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए तो टॉपिक नया शुरू करेंगे आज अपना यहां पर, और टॉपिक है बेटा मेरे पास प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू जो चैप्टर का नाम है वो कुछ ऐसा है। और इस चैप्टर को फिर से दो पार्ट्स में कवर करेंगे। ऑब्वियस सी बात है प्रोबेबिलिटी का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, प्रोबेबिलिटी की ही एप्लीकेशन है एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसको मैंने एक सेपरेट टॉपिक बना दिया है। फिलहाल वील बी स्टार्टिंग विथ द सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन प्रोबेबिलिटी। बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, एग्जाम में 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन बेटा मिल ही जाएंगे, कोई डाउट ही नहीं है। और बढ़िया बात यह है बेटा इसमें, जानते हो क्या बेटा, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, कोई खास दिक्कत परेशानी इसमें नहीं आएगी, आराम से खत्म हो जाएगा। ठीक, तो बेटा अगर शुरुआत करें यहां पर तो सबसे पहली बात आती है प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या। जी प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोबेबिलिटी। बेटा क्या मतलब है प्रोबेबिलिटी का? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बेटा गलत हो गया कुछ संभावना, ये लो बेटा, किसी भी घटना के होने या ना होने की संभावनाएं। एक्सपेक्टेशंस इज एक्चुअली कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ओके, तो बात कर रहे थे बेटा यहां पर प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी का मतलब एक्सपेक्टेशन, संभावनाएं। किसी भी घटना के बाद जब भी कोई घटना घटित होगी तो उसके कुछ परिणाम होंगे, रिजल्ट्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अब वो रिजल्ट क्या हो सकते हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस, उसकी संभावनाएं इज एक्चुअली कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। समझेंगे इसको। और देखिए बेटा सबसे पहले चैप्टर में एंटर करने से पहले मैं बता ही रहा प्रोबेबिलिटी क्या होती है। लेट्स डिस्कस सर्टेन टर्म्स। अगर मैं कहूं एक बेटा मेरे पास एक टर्म है एक्सपेरिमेंट और ट्रायल, क्या मतलब है इसका? एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, ट्रायल का मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट और अ ट्रायल। सुनिए, जब मैंने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जब मैंने कोई काम किया, जैसे आई हैव टॉस्ड अ कॉइन, मैंने एक सिक्का उछाला, क्या ये दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट। मैंने डाइस रोल किया, डाइस समझते हैं ना, सिक्स फेस डाइस जो होता है, मैंने एक डाइस रोल किया तो रोलिंग अ डाइस क्या ये एक्सपेरिमेंट। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, एक 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 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स। मैंने एक कार्ड ड्रॉ किया फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, आपने एक कार्ड ड्रॉ किया, क्या है ये फिर से एक्सपेरिमेंट है। एक बैग जिसमें कुछ बॉल्स पड़ी हुई हैं,
लाल काली नीली पीली, वहां से मैंने एक बॉल ड्रॉ की, एक बॉल निकाली बैग से, क्या ये एक्सपेरिमेंट। समझ में आती है बात? जब ये एक्सपेरिमेंट करिएगा तो दीज एक्सपेरिमेंट्स लिखवा दूंगा अभी, विल प्रोड्यूस सर्टेन इवेंट्स या आउटकम्स या रिजल्ट्स। द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। क्या कहेंगे बेटा इसे? जैसे जब मैंने एक सिक्का उछाला तो बताओ क्या क्या इवेंट हो सकते हैं, क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, क्या क्या आउटकम हो सकते हैं? सर या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। बोलो बेटा। सिमिलरली जब मैंने एक डाइस रोल किया, तो क्या क्या इवेंट हो सकते हैं, क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं? बताना बेटा क्या होगा? या तो एक डॉट नजर आएगा। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? या दो डॉट, ऐसे ही तो होगा। या तो भाई आपको ऐसा कुछ नजर आएगा डाइस के ऊपर, बेटा होगा कि नहीं होगा? या ऐसा कुछ नजर आएगा, डाइस के फेस पर, या चार डॉट्स लगे नजर आएंगे, या छह डॉट्स लगे नजर आएंगे, बेटा ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? सो दीज आर द डिफरेंट आउटकम्स, इवेंट्स और रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ऐसे ही जब एक कार्ड ड्रॉ करिएगा फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स तो कितने आउटकम हो सकते हैं? 52 अलग अलग आउटकम हो सकते हैं। बोलो बेटा, देर आर 52 डिफरेंट आउटकम्स आर पॉसिबल। 52 अलग अलग आउटकम हो सकते हैं। हुकुम का इक्का, पान का इक्का, ईंट का इक्का एंड दुगी तिगी एंड इस तरीके से कुल मिलाकर 52 अलग अलग कार्ड्स होते हैं, तो 52 डिफरेंट आउटकम्स आर पॉसिबल। यहां तक की बात समझ में आती है कि नहीं आती है? मैंने सिर्फ दो वर्ड्स बताए हैं आपको, कौन कौन से? एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। एक्सपेरिमेंट और ट्रायल, योर जब एक्सपेरिमेंट करिएगा तो उसके जो रिजल्ट्स आएंगे दोज रिजल्ट्स आर कॉल्ड द इवेंट्स और आउटकम। जहन में सेट कर लीजिए। देखो प्रॉब्लम क्या होती है यहां पर, प्रोबेबिलिटी में जो एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी आपको, प्रॉब्लम ये आएगी आप क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। आपको रूल तो मालूम है लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कौन सा रूल लगाना है यहां पर, या कौन सी सिचुएशंस, कौन सी कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा चैप्टर। प्रोबेबिलिटी आपने ऑल्दो पढ़ा हुआ है पहले, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है पहले, लेकिन बिल्कुल नए एस्पेक्ट्स के साथ यहां पर कवर करेंगे बहुत आराम से। ठीक, तो लिखना शुरू करिए मेरे साथ साथ, वहीं पर ऑपोजिट साइड पर बुक में ही। सबसे पहले लिखें, एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। लिखें जरा, परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट is called an experiment or trial. Performance of an act dusra likhiye, event or outcomes likhe isme, रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर कॉल्ड इवेंट्स और आउटकम्स। इसी के ऊपर काम करेंगे अभी तो, हम एक्सपेरिमेंट और इवेंट के ऊपर ही काम करेंगे। फिर कल को बड़े सारे टाइप्स ऑफ इवेंट मैं आपको बताऊंगा।
फिलहाल आराम से काम करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ प्रॉब्लम एग्जाम में यही आएगी आपको, आप इवैल्यूएट ही नहीं कर पाओगे कि भाई इसमें कौन सा रूल लगाएं। एक काम जरूर करिएगा साथ में, मैंने सेट थ्योरी पढ़ाया हुआ है ना, बोलो बेटा, उसमें वेन डायग्राम भी कराया था, आप ना घर पर जाकर सेट थ्योरी जरूर रिवाइज कर लें, मैं टेस्ट भी लूंगा उसका, टेस्ट के हिसाब से तैयारी शुरू कर दीजिए अपनी सेट थ्योरी की, मेरे को काम आएगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा, अदरवाइज समझाने में दिक्कत आएगी, मैं सेट थ्योरी की मदद लूंगा। खैर कमिंग बैक, और देखिए, जैसे लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ लिख रहा हूं यहां पर एक्सपेरिमेंट्स, आप मुझे इवेंट्स बताएंगे, मैं बताऊंगा कि ये एक्सपेरिमेंट मैं करने वाला हूं, आप मुझे बताइएगा कितने इवेंट्स पॉसिबल हैं, कितने इवेंट्स, कितने आउटकम्स, कितने रिजल्ट्स आर पॉसिबल इफ अ ट्रायल इज परफॉर्म। क्या पहला, टॉसिंग अ कॉइन, बताओ बेटा कितने इवेंट्स पॉसिबल हैं। बेटा दो इवेंट्स आर पॉसिबल, कोई मदद करेगा, कौन कौन से, हेड एंड टेल, ठीक है जी, ठीक है। मैं बोल रहा हूं यहां पर टॉसिंग टू कॉइन्स, बेटा दो कॉइन टॉस किए इस बार, देखना जरा कौन कौन से, या तो दोनों पे हेड आ जाएगा, पहले पे हेड दूसरे पर टेल, दोनों पर टेल, पहले पर टेल दूसरे पर हेड, कितने आउटकम हो गए बेटा, ये हो गए 2 की पावर 2 यानी 4। मैं रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके दे रहा हूं आपको, और सुनिए, टॉसिंग 3 कॉइन्स, बोलो बेटा, वैसे इस मुताबिक तो कितने आने चाहिए, 8 बनने चाहिए, आओ लेट्स चेक कि कौन कौन से बन रहे हैं, तीनों हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, बट अगर सीक्वेंस वाइज नहीं बनाओगे तो नहीं बनेंगे, मैंने स्टार्टिंग विद हेड बनाए हैं जो मैक्सिमम बन सकते थे, पहली प्लेस को लॉक कर दिया हेड और उसके बाद दूसरी प्लेस को भी हेड लॉक किया, टेल हेड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर दूसरी प्लेस पर टेल लॉक करके फिर रिवर्स कर दिए। अगर आप ऐसे नहीं बनाओगे, रेंडम बनाओगे कुछ भी, तो बनेंगे ही नहीं आपसे। आओ दोबारा शुरू करते हैं, स्टार्टिंग विद टेल, टेल टेल टेल, उसके बाद क्या करें, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, बोलो बेटा, तो 8 आउटकम हो गए कि नहीं हुए। और ऐसे ही अगर मैं कहूं अब आज के बाद टॉसिंग एन कॉइन्स, जल्दी बोलो बेटा, मुझे यहां तक लेके आना था आपको, नोट करिए फटाफट से, अभी लिखाऊंगा बहुत सारे ऐसे ही, और ये सब काम आएंगे, वरना बार बार पूछोगे सर ये 2 की पावर n कैसे लिख दिया आपने। लिखो एक्सपेरिमेंट्स एंड द इवेंट्स, ये लिख लेना कौन कौन से इवेंट बनेंगे, यही सब प्रैक्टिस करनी है धीरे धीरे। फटाफट से नोट करिए, Thank you.
बेटा पढ़ें क्या आगे? चलिए देखिए, बेटा जी इसको बोलना डीजल लगाएगा आपके। जी बेटा, बेटा नोट कर लिया होगा यहाँ तक तो? यस सर। चलिए और लिखना शुरू करें इसमें। रोलिंग अ डाइस, बताइए बेटा। रोलिंग अ डाइस, एक डाइस रोल किया, हाउ मैनी आउटकम्स आर पॉसिबल, क्या क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5 या 6 डॉट्स हो सकते हैं। ये डॉट्स वर्ड अजीब तो नहीं लग रहा? एग्जाम में डॉट्स ही लिखा हुआ आ गया, बच्चों ने कहा पता नहीं सर डॉट क्या पूछ लिया इसने। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डॉट्स? भाई 3 पॉइंट उसमें लिखा थोड़ा ना होता है 1, 2, 3, डाइस में डॉट्स ही तो होते हैं। चलिए बताना जरा और। रोलिंग 2 डाइस, बोलो बेटा कुछ रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब 36 आउटकम्स आर पॉसिबल, बताना कौन कौन से आउटकम होंगे ये? 1-1, बोलो बेटा भाई पहले पर भी 1 आ जाए, दूसरे पर भी 1 आ जाए, या फिर 1-2, या फिर बोलो बेटा 1-5, या फिर 1-6, या फिर 2-1 अप टू, या फिर 6-1 अप टू, क्या हो गया? क्या आप ये सारे इवेंट विजुलाइज कर पा रहे हो? लिखो ऐसे ही, ऐसे लिख कर छोड़ देना, काम आएगा बहुत ये। रोलिंग 3 डाइस, बोलो जी। बोलो बेटा 6 की पावर 3 कितना? 216 बन जाएंगे, 216। बोलो बेटा जैसे पहला बताना कौन सा बनाओगे? 1-1-1, तीनों पर बना गया, या फिर 1-1-2, 1-1-3, 1-1-1-1-1-1, उसके बाद क्या शुरू करोगे? 1-2-1, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिखने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही अगर रोलिंग एन डाइस हैं तो क्या हो जाएगा? 6 की पावर n वेज आर पॉसिबल। बेसिक तैयारी कर रहे हैं अभी। बताइए, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स। बोलो बेटा, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, कितने आउटकम्स आर पॉसिबल? 52 डिफरेंट आउटकम्स आर पॉसिबल। चलिए कुछ और सीखते हैं। कुछ सवाल पूछना है क्या? बताओ कुछ पूछना है क्या इसमें? बेटा कुछ पूछना है क्या इसमें? एक चीज बनती है वैसे पूछनी,
सर ये आपने सब में टॉस कॉइन 1 2 3 डाइस 1 2 3 कार्ड, अगर एक कार्ड निकाला तो 52 आउटकम्स पॉसिबल हैं सर, अगर दो कार्ड निकालें तो या तीन निकालें तो नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ और तरीका कुछ और टेक्निक है, क्योंकि ये इवेंट्स कुछ और प्रकार के हैं, बाद में बात करेंगे। ठीक, समझ में आ रही है बात? अगर कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा हो सर ये अगर टू कार्ड निकाले 52 की पावर 2 नहीं होगा, यहां क्यों हो रहा है और यहां क्यों नहीं हो रहा, यही तो मुद्दा है, बस एक यही तो प्रॉब्लम एग्जाम में फेस करनी है। तो मैं आपको डिस्टिंग्विश करना बताऊंगा कि भाई ये अलग है और ये अलग है और क्यों अलग है, लेकिन बाद में बात करेंगे। आगे आइए, ये सुनिए, अब अगर मैं कहूं आपसे पैक ऑफ कार्ड्स की बात, बताना बेटा एक पैक ऑफ कार्ड्स में कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स आर देयर इन अ पैक ऑफ कार्ड्स। अच्छा, इन 52 कार्ड्स का कोई ब्रेकअप बता सकता है क्या? कुछ तो होंगे बेटा, क्या कुछ तो होंगे ब्लैक कार्ड्स, कितने होंगे? 26। और कुछ होंगे क्या बेटा? कुछ होंगे यहां पर हमारे पास रेड कार्ड्स, कितने? 26 होते हैं रेड कार्ड। अब ये जो ब्लैक कार्ड हैं, ये जो ब्लैक कार्ड हैं, ये भी दो प्रकार के, बताना बेटा कौन कौन से ब्लैक होंगे बेटा? दो, या तो होगा बेटा क्या? स्पेड, स्पेड क्या होता है बेटा? ये चार तरीके के कार्ड्स याद हैं कि नहीं याद हैं? कुछ तो ब्लैक कुछ व्हाइट, उसमें से ये समझो, ये तो पता ही होगा बेटा, देखा है कि नहीं देखा कार्ड? ये मैं कार्ड्स की बात कर रहा हूं। चलो, एक बेटा होता है कुछ इस तरीके का, ठीक है, उसके अलावा दो ब्लैक, कौन कौन से बेटा ब्लैक? दिखाई नहीं देगा ब्लैक, चलो ये ब्लैक है, और एक होता है बेटा कुछ ऐसा, बेटा होगा कि नहीं होगा ये? अच्छा जरा नाम बताइए इनका, क्या बोलते थे इसको बेटा? इसको हम पान या फिर हार्ट का, दिस इज कॉल्ड अ, ये कौन सा है बेटा? ये ईंट का पत्ता होता था, यानी डायमंड कार्ड। एक्चुअली जानना जरूरी है, पूछेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डायमंड कार्ड और हार्ट कार्ड, तो बताओ दिमाग में मेरे सेट हो ये वर्ड उससे पहले, ये क्या है बेटा? चिड़ी, यानी क्लब कार्ड, और ये क्या है बेटा? यानी स्पेड कार्ड। बेटा ये याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वापस आइए, अब अगर मैं ब्रेकअप की यहां पर बात करूं तो 52 कार्ड्स में से 26 ब्लैक 26 रेड, ये 26 कौन से ब्लैक हुए? स्पेड कार्ड और क्लब कार्ड, और रेड कार्ड 26 कौन कौन से हुए? या तो होगा हार्ट कार्ड या फिर डायमंड कार्ड, ये सारे ही कितने कितने होते हैं बोलो बेटा? कितने होंगे? 13। क्लब कार्ड भी 13, हार्ट कार्ड और डायमंड कार्ड 13 और 13 26, 13 13 26, 26 और 26 52। ये है मेरे पूरे कार्ड्स का, पैक ऑफ कार्ड्स का ब्रेकअप, फटाफट से नोट करिए इसको, ये भी नोट करना और ये भी नोट कर लीजिएगा साइड में, कुछ और टर्म्स भी बताऊंगा अभी, वो प्रोबेबिलिटी पूछेगा भाई, जब तक कार्ड्स की समझ ना होगी तब तक प्रोबेबिलिटी ना निकाल पाएंगे।
तो नाम तो सीख लें पहले, नोट करिए पहले से। बेटा पढ़ूं क्या आगे? चलिए देखें। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव सर्टेन मोर टर्म्स। एक होता है बेटा एस कार्ड, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? इक का, जो ए लिखा होता है ना, कितने होते हैं ये? चार कार्ड्स। फेस कार्ड्स बेटा, कितने कार्ड्स पर फेस बने होते हैं? बोलो बेटा, कितने कार्ड्स पर फेस बने होते हैं? बेटा चार होते हैं किंग कार्ड्स, बोलो बेटा। और चार क्या होते हैं? क्वीन कार्ड्स। और चार क्या होते हैं? जैक। अभी लिखवाता हूँ ये भी, जैक। और बोलो बेटा, कोई और भी है क्या जिस पर फेस बनाओ? हाँ, जोकर नलायक, बोलो। दो जोकर भी होते हैं बेटा, कैसी बात कर रहे हो? कितने हो गए बेटा? फेस कार्ड्स आर 12 बेटा। जैक कार्ड या नेव कार्ड, समझते हो जैक क्या होता है? जे की बात कर, जे। चार कार्ड्स, ये वर्ड बताया मैंने नेव, एग्जाम में पूछ सकता है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, भाई नेव होता क्या है यही नहीं पता। तो जैक कार्ड का ही दूसरा नाम है नेव कार्ड, बाकी तो पता ही है आपको। किंग और क्वीन लिख दूं क्या वो भी? चलो लिख देता हूं। किंग कार्ड चार, किसकी बात कर रहे हैं? के की बात कर रहे हैं, चार कार्ड्स। और क्वीन कार्ड्स, क्यू की बात कर रहे हैं, ये भी चार। नोट करिए इसको भी, चार एस, चार किंग, चार क्वीन, चार जैक और कुल मिलाकर फेस कार्ड 12। के, क्यू और जे, दीज आर द फेसेस कार्ड, फेस कार्ड्स, दीज आर द फेस कार्ड्स। बेटा क्लियर है बात ये? और बताइए जरा, अभी इन्हीं के ऊपर काम करेंगे, ठीक? इन्हीं के ऊपर काम करेंगे। और बताओ बेटा मुझे, नोट नहीं किया था, करो नोट, करो नोट, इंपॉर्टेंट है। सब बेस तैयार कर रहे हैं एडवांस क्वेश्चंस तक पहुंचने के लिए, जिससे वहां जाकर सिर्फ ये चैलेंज रह जाए कि भाई कौन सा फॉर्मूला, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करें। इन चीजों में ना इलझो आप, कम से कम बताइए। कुछ और जवाब देंगे आप मुझे अब? बताइए बेटा, बताना जरा, एक पैक ऑफ कार्ड्स में कितने ब्लैक एस होंगे?
बेटा एस चार होंगे, बोलो बेटा, दो रेड होंगे और दो ब्लैक होंगे, दो कार्स। अच्छा, एस ऑफ स्पेड किसकी बात कर रहे हैं? एक का स्पेड यानी हुकुम, हुकुम के एक के कितने होंगे? एक होगा, वन कार। ब्लैक हार्ट कार, बोलो बेटा, ब्लैक भी हो और हार्ट कार्ड भी हो सकता है क्या? जीरो जीरो, ब्लैक भी हो और हार्ट कार्ड भी हो, नहीं हो सकता। रेड डायमंड, रेड डायमंड कार्ड, बेटा कुल मिलाकर रेड कार्ड तो 26 हैं, उसमें से डायमंड कितने हैं? वैसे अगर मैं रेड ना भी बोलूं कुछ देर के लिए तो भी डायमंड कितने होंगे? क्योंकि डायमंड तो होते ही सारे रेड हैं, लेकिन सारे रेड डायमंड नहीं होते। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? बाद में काम आएगा, नोट कर लिया बेटा सबने? ध्यान रखना बात को। चलिए थोड़ा डाइस से खेलेंगे अब। सब बेसिक तैयारी कर रहे हैं बेटा, करें आगे? अभी प्रोबेबिलिटी चैप्टर पे तो आया ही नहीं मैं। देखिए, और तो रोलिंग टू डाइस, बेटा दो डाइस रोल किए हमने, दो डाइस रोल किए हमने, दो डाइस रोल किए, कितने बताए थे आपने? कितने आउटकम्स आर पॉसिबल? 36 आउटकम्स आर पॉसिबल, 36 डिफरेंट आउटकम्स आर पॉसिबल। मेरा सवाल यह है, इन 36 में से कितने आउटकम ऐसे होंगे जिनमें सम ऑफ डॉट्स दोनों डाइस का मिलाकर 10 होगा, सम 10 होगा? 36 होंगे रोलिंग रोलिंग टू डाइस, 36 आउटकम्स आर पॉसिबल, नो डाउट, सम 10 चाहिए मुझे। बताओ सम 10 कैसे बन सकता है? सोचो, 1 आ जाए पहले डाइस पर तो दूसरे पर क्या चाहिए? 9। एक तो ये हो गया 1 और 9, नहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो पहला आउटकम क्या बन सकता है हमारा? 4 और 6। अगला बताओ, 6 और 4, नहीं होगा 6 4, क्या लिखोगे इसके बाद? 5 5। अगर आप नहीं काम करोगे सीक्वेंस वाइज दिक्कत आएगी। आपको दिख रहा है मैंने क्या पैटर्न फॉलो किया है? 4 5 6, दूसरे वाला घटता गया। बेटा क्लियर है बात? कितने आउटकम्स आर पॉसिबल? यानी 36 में से 3 ऐसे होंगे जिसमें सम 10 हो सकता है। सम 11 बताओ, 5 6 only 2। अभी एक रिलेशनशिप बताऊंगा आपको। सम 12 बताओ, ओनली वन वे इज देयर। 36 में से सिर्फ एक आउटकम होगा जिसमें सम 12 आ रहा होगा। थोड़ा पीछे चलते हैं और बताइए,
सम 9। हाँ जी 4, 5 और बोलो 6, 3 कहां से आ गया नलायक? ये समझ में ही नहीं आती बात। 6, 3 बनाओगे बन ही नहीं पाएगा। अभी अगले एग्जाम्पल में 3 डाइस रोल कराऊंगा, पागल हो जाओगे ऐसे तो भाई। क्या हो गया अब? हाँ तो पहले वाला बता दो ना, वो ठीक है बात। ये लो 3, 6, 4, 5, 5, 4 और बताओ कितने आउटकम्स हो गए? 4। बेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सम 8 बताओ। सम 8 बेटा ये बढ़ जाएगा 1। बेटा आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इसमें एक आउटकम बढ़ जाएगा। अब क्यों? क्योंकि 2 से शुरू करके भी बात बन जाएगी। अब बेटा ऑब्जर्व कर रहे हो आप कुछ? 2, 6 बताओ और 3, 5 4, 4 5, 3 6, 2 हाउ मच? 5 आउटकम्स आर देयर जिनमें सम 8 होगा। सम 8 होगा और बताना बेटा। सम 7 बताओ, लॉजिकली बताओ क्या होना चाहिए? बेटा बढ़ जाएगा एक ये, बताओ क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि यहां पर 1 और 5 एक केस और ऐड हो जाएगा, 2 से भी बनेगा, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। आओ सम 6 बताओ। 7 गलत बोल रहे हो आप। इससे पहले कहां लाओगे? 0 से बनाओगे अगर नलायक? बताओ सोचकर बताओ। अच्छा सम 6 कैसे बन सकता है? 1, 5 2, 4 3, 3 4, 2 5, 1 हाउ मच? आपको दिख रहा है अब क्या हो रहा है? ये केस कम होने शुरू हो गए, ये कुछ ऐसे रिएक्ट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो चेक करो, सम 2 कितने तरीके हैं? सम 2 कैसे आएगा भाई? तरीके कितने हैं ये बताओ ना, एक ही तरीका है कि नहीं है? सम 12 कितने तरीके हैं? एक ही तरीका है कि नहीं है? बोलो बेटा। सम 11 के बताओ। हाँ जी 2 वेज आर पॉसिबल। सम 10 बताओ, 3। सम 9 बताइए, 4। सम 8 बताइए, 5। और यहां क्या हो जाएगा? ये सम 7 कितना? 6। बेटा समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और देखो अब यहां बताओ, सम 6 कितना हो जाएगा? 5। सम 5 कितना हो जाएगा? 4। सम 4 कितना हो जाएगा? 3। और सम 3 कितना हो जाएगा? 2। सम 2 1 हो गया। आई होप ये रिलेशनशिप समझ में आ रही होगी आपको। बोलो बेटा। ऑल्दो मैं तो एग्जाम में क्या करूंगा, कहां ही इसे याद करूंगा। वो मुझसे जो भी कुछ पूछेगा मैं झट से बनाकर ही चेक करूंगा, क्योंकि याद करूंगा तो कहीं ना कहीं गलती की संभावनाएं हैं। तो इट इज बेटर फॉर मी, मैं तो यही करूंगा। बोलेगा अगर वो मुझसे पूछ ले कि बताओ सम 5 कैसे कैसे आ सकता है, कितने तरीके हैं सम 5 आने के, भाई बना के देख लूंगा मैं तो। 1, 4 2, 3 3, 2 4, 1 खत्म। 4 तरीके हैं जी, ठीक। क्योंकि यहां पर रिलेशनशिप है तो, लेकिन याद कहां तक करोगे? बिना याद करे कॉन्सेप्चुअली ज्यादा अच्छा है कि मैं केस बनाकर देख लूं। बेटा ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फटाफट से नोट करिए। रोलिंग 2 डाइस कर लेना जैसे चाहे मर्जी, मैंने दोनों बातें बता दी आपको।
इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं वैसे। करिए बेटा, हटा दूं क्या ऐसे यहाँ से? फटाफट से नोट करिए। फटाफट से नोट करिए, कुछ करके देंगे मुझे काम इसके बाद। बेटा हटा दूं उसे? चलिए एक काम करिए, लिखिए जरा एग्जांपल, रोलिंग थ्री डाइस। जिसने लिख लिया उसको डालिए डिंग, रोलिंग थ्री डाइस। कितने आउटकम्स आर पॉसिबल लिखो बेटा उसके आगे, कितने हो सकते हैं? 6 की पावर 3, यानी 216 आउटकम्स आर पॉसिबल। अच्छा अब कुछ काम कर दो बस मेरे लिए, लिखो फर्स्ट पार्ट, मुझे बताइए सम 10 कितने तरीके हैं, सम 12, 15 और 18, चार केस कर दो मेरे लिए। इसमें भी पैटर्न फॉलो होगा वैसे, लेकिन मैं वो सब नहीं बात कर रहा, मुझे केसेस बनाकर दे दो अपने आप से। क्या क्या चाहिए मुझे सुनो, मैंने कहा रोलिंग थ्री डाइसेस, टोटल आउटकम तो इसके 216 आउटकम्स या इवेंट्स आर पॉसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। मैं पूछ रहा हूं आपसे सम 10 और क्या पूछा मैंने, सम 12, सम 15 और सम 18। हाउ मैनी वेज आर पॉसिबल, कितने तरीकों से सम 10 आ सकता है? सारे केसेस बनाकर देने हैं आपको ये। सम 12 आ सकता है, 15 या 18 आ सकता है, करिए अपने आप करो बेटा, बनाओ और पैटर्न वाइज बनाना वरना नहीं बनेंगे।
गलत है। चलो करो करो आप करो सम टेन बताइए। अच्छा चलो एक मदद करता हूं मैं आपकी थोड़ी सी। सम टेन स्टार्ट कहां से करें? वन से। ठीक, अभी कितना और चाहिए मुझे? नाइन। बोलो बेटा 3 6। बोलो बेटा यहां लोएस्ट या हाईएस्ट? और बताओ 1 4 5 और 1 5 4। और बताओ 1 से शुरू होने वाले सारे केसेस बन गए। करिए बाकी सारे। थोड़ा हिंट दे दिया मैंने आपको। थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने आपको। जी बेटा, बेटा सम 10 बताइए और कैसे हो सकता है? हाँ जी, ये हो जाएगा बेटा यहां पर। और अगर बात करें आगे तो स्टार्टिंग विद 2 2 6 2 3 5 2 4 4 सॉरी 10 ठीक तो है 2 5 3 और 2, 6, 6, 6, 6. आगे आइए स्टार्टिंग विद 3 3 4 6 3 5 बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है? सम 10 की बात चल रही है। 216 में से ये आउटकम वो हैं जो सम आपको 10 देंगे। और बताइए बेटा 4 से शुरू करते हैं 4 1 5 4 2 4 4 3 3। बेटा क्लियर है बात? अगर आप एक बात ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये कितने वेज थे? 4। ये कितने हैं? ये कितने हैं? ये कितने हैं? 5। आपको दिख रहा है? दोबारा से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बन रहा है। और देखिए मैं बिना कहे बता रहा हूं आपको, 5 से अगर करेंगे तो 4 आएंगे, 6 से करेंगे तो 3 आएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, बिना बनाए बता रहा हूं। नाउ यू कैन काउंट द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑल्सो। 3 और 7 7 और 6 13 13 और नहीं गलत कर दिया क्या 4 5 9 9 और 15 20 24 और 3 27 आएंगे कि नहीं आएंगे? बना लो फिर भी एक बार, ये इसमें तो कर ही लो। मैंने समझा दिया आपको वैसे, ये इसलिए कि जब केसेस बना रहे हो आप तो देख लेना पैटर्न फॉलो होना चाहिए। 5 5 1 4 5 2 3 5 3 2। आई होप समझ में आती है बात बेटा। बोलो बेटा बनाइए इसके बाद सिमिलरली सम 10 के बाद सम 15 चाहिए मुझे, सम 18 और सम 12। कम होते जाएंगे ये। सम 10 में मैक्सिमम थे शायद 10 में। करो फ्लॉट साथ। बनाइए सम 15 में बेटा पहला केस क्या बनेगा? बोलो सम 15 में 1 से शुरू होकर केसेस बन जाएंगे? बनेंगे ही नहीं बेटा। 1 6 6 करोगे तो भी 13 ही रह जाएगा। 2 से स्टार्ट करो तो भी नहीं बनेगा। 3 से स्टार्ट करेंगे तो केसेस बनने शुरू होंगे। बनाओ पहला बनेगा 3 6 6, फिर 4 से बनाओ 5 से 6 से, फिर स्टार्ट सम 18 चाहिए। जी
बेटा सम 12, जरा बताइए कितने केसेस आ रहे हैं सम 12 में? 25. सम 15 में कितने आ रहे हैं? 10. और सम 18 में? 1. एक ही केस है. सम 10 में कितना आ रहा है? 30. 27. सो दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज. अगर तीन डाइस रोल करिएगा तो सम 10 कितनी बार आ सकता है? 15 या सम 12 या सम 18. 216 में से एक ही तरीका है जब सम 18 आ सकता है. बेटा यहां तक की बात तो ठीक है? चलिए अब ये बात तो मैंने कवर कर ली यहां पर कि दो बातें मेन बताई आपको. एक्सपेरिमेंट यानी कोई भी घटना का घटित होना इज कॉल्ड परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट. परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट. जब एक्सपेरिमेंट करिएगा तो दैट विल ऑलवेज प्रोड्यूस सर्टेन रिजल्ट्स. उन रिजल्ट्स को क्या कहेंगे? इवेंट्स या आउटकम. अब ये बताओ मुझे संभावना निकालनी है तो संभावनाएं एक्सपेरिमेंट की निकलेंगी या आउटकम की निकलेंगी? बोलो बेटा. आउटकम की निकलेंगी. समझ में आती है बात? क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू में जाकर कुछ और कहूंगा मैं. अभी समझ में आती है बात? मैंने कहा सिक्का उछाला, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ा पूछूंगा मैं आपसे. मैं बोलूंगा सिक्का उछाला, हेड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ. बोलो बेटा. तो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है मैंने? इवेंट की. तो यहां पर अब लिखना शुरू करिए मेरे साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. लेट्स से ई. किसी भी एक इवेंट ई की, किसी भी इवेंट ई की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? मैंने कहा सिक्का उछाला, एक हेड आ जाए, प्रोबेबिलिटी बताओ. डाइस रोल किया, डाइस पर 5 डॉट आ जाएं, प्रोबेबिलिटी बताओ. एक कार्ड ड्रॉ किया, उस पर हुकुम का इक्का आ जाए, प्रोबेबिलिटी बताओ. दो सिक्के उछाले, दोनों पर हेड आ जाए, प्रोबेबिलिटी बताओ. तीन डाइस रोल किए, सम 12 आ जाए, प्रोबेबिलिटी बताओ. आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी प्रोबेबिलिटी किसकी निकलती है हमेशा? प्रोबेबिलिटी निकलती है हमेशा इवेंट की यानी आउटकम की. अब कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, नाम कोई भी ई है उसका, तो दैट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स. बस इसी पर काम करेंगे. लिखो बेटा इसको, काम आएगा बहुत. फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज डिफाइंड एज फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम. सर मतलब? आओ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. नोट मत करिएगा, सिर्फ देखिए मेरे साथ, सुने. मैंने नोट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस है हमारे पास सारे. ये अ कॉइन इज टॉस्ड, क्या ये एक्सपेरिमेंट है इवेंट है? इवेंट है ये. बेटा एक काम आएगा बाद में, इसलिए बार बार मैं वर्ड जहन में बिठाना चाह रहा हूं. एक्सपेरिमेंट और इवेंट, क्या ये? अच्छा इसके जो इवेंट हैं, मैंने पूछा पढ़ के बताओगे लिखा हुआ ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी होगी?
कितनी होगी? आओ देखते हैं। पहले ये बताओ कि इस एक्सपेरिमेंट के कुल मिलाकर कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं? बेटा कॉइन टॉस किया, कितने आउटकम पॉसिबल हैं? या तो हेड या टेल, यही तो दो आउटकम पॉसिबल हैं। टोटल आउटकम हो गए दो। अब ये बताओ इनमें से कौन सा मेरे फेवर का है, मेरे काम का है? ऐसा कौन सा इवेंट है जिसको मैं ढूंढ रहा हूं, जो मुझे चाहिए, जिसे देखकर मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा? बताओ बेटा। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, यही तो मेरे काम का है, फेवरेबल आउटकम। प्रोबेबिलिटी इज 1/2। बेटा क्लियर है बात? जल्दी बोलो बेटा। आगे आइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी होगी बेटा? टोटल आउटकम बताओ कितने? 2। काम के कितने? 1। आगे और देखिए। अ डाइस इज रोल्ड, डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 डॉट्स? ये बताओ अगर एक डाइस रोल करोगे तो टोटल आउटकम कितने हैं? कौन कौन से भाई? इनमें से ही तो कुछ आएगा। मेरे काम के कितने हैं? एक ही तो मेरे काम का है। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 4 भाई, 6 आउटकम तो टोटल हो गए, मुझे लेस देन 4 चाहिए। बताइए कितने काम के हैं? बेटा ये मेरे काम का है, बोलो हाँ, ये मेरे काम का है, ये मेरे काम का है, और ये लेस देन 4 चाहिए, तो 3 आउटकम काम के हो गए। मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल चाहिए इस बार। बताओ बेटा कौन से काम के हैं? टोटल तो 6 ही हो गए, मेरे काम के कितने? बेटा एक तो ये मेरे काम का है, बोलो बेटा, और एक ये मेरे काम का है, 2 ही तो हैं। मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 के टेबल में आते हो, 3 से डिवाइड हो जाते हो, 3 और 6। और देखिए मल्टीपल ऑफ 2, बोलो 3 होंगे कि नहीं होंगे? 2, 4 और 6 मल्टीपल, सॉरी ऑड नंबर, 6 काम, 6 टोटल हैं। काम के कौन कौन से होंगे? 1, 3 और 5 यानी 3 मेरे काम के। बेटा ठीक है ये बात भी? और सुनिए, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड? टोटल आउटकम तो 52 है, 52 में से मेरे काम के बताओ, फेवरेबल कितने? 26। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एस, 52 में से 2 काम के हैं। स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ, बोलो बेटा कितना हो जाएगा? 13/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कार्ड बताइए, 52 टोटल। आप पहले देख रहे हो, टोटल लिख रहा हूं हमेशा मैं, और उसमें से काम के कितने? 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ हार्ट्स कुल मिलाकर 52, हार्ट किंग कितने होंगे? इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। आई होप समझ में आ रही होगी बात। 3 डाइसेस आर थ्रोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 10, अगर 3 डाइस थ्रो करोगे
टोटल आउटकम कितने हैं? लो हो गया काम फटाफट से। अब सम 10 कितनी बार आ सकता है? किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है? ये लो, वरना यही लजना पड़ता मुझे बहुत देर तक। बना लोगे ना बेटा? 216 में से 27 केस मेरे काम के हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 18, 216 टोटल आउटकम, काम के कितने? फेवरेबल आउटकम इज 1। बेटा क्लियर है? और सुनिए, अ बैग कंटेन्स 2 black, 3 red and 5 white balls। बेटा बैग में कितनी बॉल्स हैं? What is the probability of drawing a ball is drawn? एक बॉल निकाली। ये बताइए टोटल आउटकम कितने हैं? इसमें से काम के कितने हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बताइए। बेटा क्लियर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ब्लैक बताइए। टोटल कितने हैं? रेड आ जाए तो भी मुझे अच्छा लगेगा, और अगर ब्लैक आ जाएगा तो भी बात बन जाएगी। तो बेटा कितने काम के हैं मेरे? बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? आई होप समझ में आ रही होंगी। सिंपल सिंपल सी बातें हैं प्रोबेबिलिटी को लेकर। वापस आइए यहां पर, लिखे नोट, कुछ खास बातें देख रहे हैं यहां पर। दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1, बोथ इंक्लूसिव। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 and 1 के बीच में रहेगी। क्या मतलब हुआ इसका बेटा? कम से कम 0 और ज्यादा कितना? 1। लिखें, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज 0, क्या मतलब है इसका? मैं बोल रहा हूं एक डाइस रोल किया और हेड आ जाए, प्रोबेबिलिटी बताओ, इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। लिखो इसका मतलब क्या हुआ? ई इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। ई इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी 1 हो, अगर प्रोबेबिलिटी 1 हो, बताएं बेटा ये प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब क्या है? बेटा मैं बोल रहा हूं अ कॉइन इज टॉस्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल? टोटल आउटकम कितने हैं? 2। काम के कौन से हैं? हेड आ गया तो भी काम का, टेल आ गया तो भी काम का, 2/2, आंसर इज 1। क्या मतलब है? ये जिस इवेंट की बात कर रहे हैं ना, वो श्योर इवेंट है, होगा ही होगा भाई साहब। मैं पूछ रहा हूं सिक्का उछाला, हेड आ जाए या टेल आ जाए, होगा ही होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। लिखें, दिस इंप्लाइज ई इज अ श्योर इवेंट। और लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार निकालनी है। क्या मतलब है इसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ ई, ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब क्या था? बोलो बेटा इसका मतलब क्या था? ई के होने की प्रोबेबिलिटी, और ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ ई इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ। मैंने पूछा आपसे, लेट्स से डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ फाइव? भाई साहब एक डाइस रोल किया, फाइव नहीं कर रहे इसको, एक डाइस रोल किया और फोर ना आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। फोर ना आए, वैसे तो आप ओरली काम कर सकते हो, बताओ फोर ना आए का मतलब क्या? टोटल तो छह हैं, मेरे काम का कौन सा है? जिस जिसमें फोर नहीं है वो मेरे काम का है। वन मेरे काम का, टू मेरे काम का, थ्री मेरे काम का, फाइव मेरे काम का, सिक्स मेरे काम का, पांच काम के हैं कि नहीं है? ऑल्टरनेटिवली इसको कैसे कर सकते हैं? वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितनी होती है? आंसर फिर से क्या आ गया? कई बार हम इस शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, हर बार क्या हो गया? अच्छा दोनों जगह बार लगा दिया क्या? लो ठीक है बेटा, चलो आई होप ये नोट कर लिया होगा सबने बेटा। प्रोबेबिलिटी और उससे जुड़ी कुछ और बातें, से लेकर 12-11 तक के क्वेश्चंस आप होमवर्क में करके आइएगा। 1 से लेकर 11 तक के क्वेश्चंस होमवर्क में करके आएंगे। 1 से लेकर 11 तक के क्वेश्चंस होमवर्क के हैं आपके। चलिए कुछ और देखते हैं थोड़ा सा, बस मैं फ्री कर दूंगा इसके बाद, टेस्ट हैं आपके, ठीक। चलिए देखें, अरे सुनो पहले तो सुन लो, बताता हूँ फिर। बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नहीं, आसान हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डाइस is rolled, what is the probability of head? कितनी है बेटा probability? अच्छा गलत बोल दिया। A dice is rolled, what is the probability of four dots? बोलो बेटा 1/6, ठीक है। और four के ना होने की probability कितनी है? 5/6, ठीक है। अब समझो, एक इवेंट था क्या? फोर डॉट्स। एक्सपेरिमेंट था रोलिंग अ डाइस, इवेंट था फोर डॉट्स। इसके कितने पॉइंट्स फेवर के हैं? एक पॉइंट है कि नहीं फेवर का? और अगेंस्ट में कितने दिख रहे हैं आपको? टोटल कितने दिखे? प्रोबेबिलिटी यहीं से तो बनी है एक्चुअल में, 1/6, और इसकी कितनी?
बेटा समझ में आ रहा है कुछ के नहीं आ रहा? मैं कहीं और लेकर जाऊंगा आपको, मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट में कहीं और लेकर जाऊंगा। प्रोबेबिलिटी को लिखने का ही एक तरीका और होता है, प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ऑड्स ऑफ एन इवेंट। बताता हूँ क्या, ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले तो। इतनी बात समझ में आती है कि भाई चार आ जाए उस बात के पॉइंट्स, टोटल पॉइंट्स तो छह हैं ही, फेवर का एक पॉइंट है, पांच पॉइंट्स अगेंस्ट के हैं। चलिए मैं बोल रहा हूं आपसे प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ऑड्स। आपको दिए हुए हैं ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ई इज ए इज टू बी। ऑड्स इन फेवर, बेटा सुन लो, इंपॉर्टेंट है। ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट ई और ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट ई इज सी इज टू डी। ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटीज लिखी हुई हैं, जो पढ़ना मुझे सीखना है। सुनो, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं इस बार, जब ऐसे दिए हो दीज आर कॉल्ड ऑड्स या पॉइंट्स, रेशो कुछ भी कह लो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये ऑड्स ये पॉइंट्स किस चीज के दिए हुए हैं? इवेंट ई के फेवर में दिए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये पहला पॉइंट तो फेवर का है और दूसरा पॉइंट किसका है? अगर ये अगेंस्ट में दिए हुए तो इसका मतलब क्या है? पहला पॉइंट किसका है? अगेंस्ट का, और दूसरा पॉइंट। तो क्या यहां से मुझे कोई बता पाएगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ई एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ ई? बोलो बेटा, ए अपॉन। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई ए पॉइंट फेवर के हैं, बी अगेंस्ट के हैं, तो टोटल पॉइंट्स क्या रहे होंगे? ए प्लस बी, उसमें से फेवर के ए, अगेंस्ट का बताओ बेटा, टोटल पॉइंट्स ए प्लस बी, ये बी, ये बताओ यहां पर, बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी आएगी यहां पर? सी अपॉन। बेटा पहला पॉइंट अगेंस्ट का है तो ई के फेवर के कितने हो गए, और ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी देखते हैं। ऑड्स इन फेवर ऑफ ए विनिंग मैच इज 3:5। कमेंट बताओ बेटा क्या कहना चाहोगे? ए के मैच जीतने के पॉइंट्स फेवर में दिए हुए हैं 3:5, तो ए मैच खेले और जीत जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। हाँ जी, 3/8, और मैच ना जीते 5/8। ये पहला पॉइंट फेवर का है, दूसरा पॉइंट, क्योंकि ये फेवर में दिया हुआ है तो पहला पॉइंट फेवर का होता है। ये यहां नहीं, बहुत सारी जगह काम आएगा। सीए इंटर में मैं बोनस शेयर इशू कराऊंगा,
मैं बोलूंगा बोनस शेयर्स आर इशूड, बोनस शेयर्स आर इशूड एज 1:5। अब प्रॉब्लम ये है सर, एक के बदले पांच दिए या पांच के बदले एक दिए? मैंने कहा बोनस शेयर्स आर इशूड इन द रेशो 1:5। अब प्रॉब्लम ये है, देखो लिख के बताता हूँ मैं, काम आएगा आगे भी कहीं, ये आगे से मतलब अगले लेवल्स पर भी। बोनस शेयर्स आर इशूड एज 1:5। अब प्रॉब्लम ये है, एक के बदले पांच शेयर दिए फ्री में या पांच के बदले, बोनस मतलब होता है फ्री शेयर देना। कंपनी ने कहा कि मैं बोनस दूंगा, फ्री में शेयर दूंगा अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को 1:5 के रेशो में, तो एक के बदले पांच या पांच के बदले एक? कैसे पता चला? ये देखो, हम किसकी बात कर रहे हैं, बोनस की। तो पहला पॉइंट किसका होगा, यानी बोनस में एक शेयर मिलेगा कितने के बदले? कुछ समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही है? ठीक, ऑड्स जो दिए हुए हैं बोनस के दिए हुए हैं, तो पहला पॉइंट बोनस का। मैंने बताया ऐसे ही आगे कि आगे भी काम आएंगी कई बार बातें, फिलहाल तो वापस लौट कर आए अपने टॉपिक पर। तो अगर ये ऑड्स दिए हुए हैं इन फेवर ऑफ ए, तो पहला पॉइंट फेवर का और दूसरा पॉइंट अगेंस्ट का रहेगा। आई होप यहां तक की बात क्लियर है बेटा। yes, sir. ठीक है बेटा बात? yes, फटाफट से इसको भी नोट कर लो, खत्म आज की चर्चा। आज की चर्चा समाप्त, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा इंट्रो दे दिया मैंने, जिससे अगली बार जब पढ़ाऊंगा तो इतनी बात दिमाग में सेट होगी कम से कम। प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ऑड्स, लिख कर छोड़ दो इसे वहीं पर बुक में ऑपोजिट साइड पर। जी बेटा, बेटा नोट कर लिया सबने? चलिए आज की चर्चा यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 से लेकर 11 तक आप होमवर्क में करिएगा, इसके ऊपर बेस्ड बातें हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।